हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज की जो हमारी क्लास है, इट विल बी अबाउट आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया। जैसा मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ कुछ यू नो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जहां पे हम वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई कर सकें। सो टुडेज़ क्लास इज ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स बिगिन विद द आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट रखा हुआ है। इफ़ यू लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे ऑथर कुछ पॉइंट्स रख रहा है। ही इज आर्ग्यूइंग अ पोजीशन, अ पर्टिकुलर पोजीशन। हमें वो पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। सो दिस आर्ग्यूमेंट इज फॉलोड बाय फोर ऑप्शंस। वन ऑफ दोज ऑप्शंस कंटेन्स द पोजीशन दैट इज बीइंग आर्ग्यूड बाय ऑथर इन द पैसेज। सो देखते हैं। ऑथर सेज, फॉर इयर्स साइंटिस्ट्स हैव बीन स्कैनिंग स्काइज इन द होप ऑफ फाइंडिंग लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। But in spite of ever-increasing sophistication of the equipment they employ, some of it costing hundreds of millions of dollars, now the first shred of evidence has of such life has been forthcoming. आगे फिर बोल रहा है, if there's no reason and there's no reason to think that these scientists will be any more successful in the future, no matter how much money is invested in the search, the dream of finding extraterrestrial life is destined to remain a dream. As science's experience up to this point should indicate. अब ये जैसा आपने argument अभी अभी देखा, इस argument में author का बोलने का आप तरीका देखिए। author अगर अपना position argue कर रहा है तो किस तरीके से वो आगे promote कर रहा है अपने argument को। वो कह रहा है कि scientists जो है वो काफ़ी time से skies को scan करते हुए आ रहे हैं in the hope of finding life। फिर आप यहां से अगर देखें तो ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है वो थोड़ा थोड़ा बिगिन होने लगा। बोल रहा है, बट इंस्पायर्ड ऑफ एवर इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट, सम ऑफ इट कॉस्टिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक भी एविडेंस, नॉट द फर्स्ट श्रेड ऑफ एविडेंस ऑफ सच लाइफ हैज बीन फोर्थकमिंग, कोई एविडेंस नहीं मिला। और फिर नेक्स्ट लाइन में ऑथर कह रहे हैं कि देर इज नो रीजन टू थिंक दैट दीज साइंटिस्ट विल बी एनी मोर सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, no matter how much money is invested in the search, this dream is destined to remain dream as science's experience up to this point should indicate. So let's look at the options that we have. The first option says there is no reason to believe that life exists on other planets. Author केवल इतना कह रहा है कि हमें life नहीं मिलने वाली है। That does not mean कि life नहीं exist करती। So there's difference between these two ideas. So, हम लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ विल नॉट फाइंड इट। नाउ दिस साउंड्स यू नो लॉजिकल, क्योंकि ऑथर भी कुछ ऐसा ही पॉइंट आर्ग्यू कर रहा है। हाउएवर, मैं एक बार के लिए इसको यहां पे रखता हूं एंड दूसरे पॉइंट्स को इवेल्युएट करता हूं। ऑप्शन सी सेज, ओनली इफ साइंटिस्ट हैड ऑलरेडी फाउंड एविडेंस एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स वुड कंटिन्यूड सर्च बी जस्टिफाइड। ऑथर बोल रहा है कि हम लोग कितनी भी मेहनत कर ले हमें लाइफ नहीं मिलेगी। बट देन दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स, सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। दिस पॉइंट टॉक्स अबाउट यू नो जस्टिफिकेशन ऑफ आवर सर्च, कि अगर हमें लाइफ मिल जाती तो हमारी जो सर्च थी वो जस्टिफाइड कहलाती। हेंस दिस इज नॉट द मेन आइडिया आइदर। ऑप्शन डी बोल रहा है, वी शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट टू एड इन द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यहाँ पे तो ऑथर एक सजेशन देने लग गया। दिस पॉइंट इज मोर ऑफ अ सजेशन, जो कि ऊपर वाले पॉइंट से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाला पॉइंट केवल इतना बोल रहा है दैट वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ नो मैटर हाउ मच मनी वी इन्वेस्ट, बट दैट डज नॉट मीन कि लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यही रीजन था कि मैंने ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया। एंड सी एंड डी बोथ डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट दैट इज बीइंग डिस्कस्ड इन द पैसेज। सो द करेक्ट आंसर इज boy, scientists searching for extraterrestrial life will not find it. That's the opinion or the position that the author is arguing. So, humne ideas ko segregate kiya and author ka opinion pehchana. Let's look at another argument. Now, argument number two, here it is for you. Ab is argument mein, again, we'll use the same tricks again. यहाँ पे हम लोग आइडियाज़ को सेग्रीगेट करेंगे, पहचानेंगे कि कोई काउंटर प्रिमाइस है, कोई प्रिमाइस है। सो मैंने ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा हुआ है, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करें एंड आर्ग्यूमेंट को एक बार अपनी तरफ से पढ़ें।
आई होप आपने ये आर्ग्यूमेंट पढ़ा. एंड इस आर्ग्यूमेंट में अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट ये कह रही है कि यू नो नाइट्रोजन जो कि एयर पोल्यूशन से रिलीज होता है वो ईस्टर्न फॉरेस्ट्स को बेनिफिट करता है. एक रिपोर्ट ये कह रही है. सो देयर इज अ रिपोर्ट. The report says current levels of air pollution on forest growth in North America concluded that nitrogen जो है एक necessary nutrient है. तो air pollution से जो nitrogen release हो रहा है वो probably benefit कर रहा है eastern forests को. However, तो author का actually argument यहाँ से begin हो रहा है. इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऑथर का आर्ग्यूमेंट बिगिन हो रहा है. ऑथर सेज हाउएवर यूरोपियन सॉइल साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट इन फॉरेस्ट्स सैचुरेटेड विद सल्फेट एंड नाइट्रेट ट्रीज बिगिन टू डाई व्हेन नाइट्रोजन डिपॉजिटेड एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्ब बाय फॉरेस्ट सिस्टम. जहां पे एब्सॉर्प्शन से ज्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं ट्रीज बिगिन टू डाई. एंड क्योंकि ये फाइंडिंग जो है इट इज लाइकली टू होल्ड ट्रू फॉर ऑल द फॉरेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड. Large areas of eastern forests of North America are already being affected adversely. So, देखा आपने ये particular जो portion है ये एक तरीके से ऐसा position है जिसको author ने negate किया. जो बचा हुआ है वहां से author का argument begin होता है. So, कई बार author क्या करता है कि एक ऐसी पोजीशन आपको दे देता है जिसको बाद में जाके वो सिस्टमैटिकली निगेट करता है. सो ये कुछ ऐसा ही एग्जांपल था. यहां पे एक पोजीशन जो जनरलाइज्ड ओपिनियन है या फिर जो एक रिपोर्ट ने कहा पहले हमने वो पोजीशन रखी एंड फिर सिस्टमैटिकली ऑथर ने उसको निगेट किया. ऑथर का आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये जो रिपोर्ट का जो ओपिनियन रिपोर्ट में जो ओपिनियन स्टेटेड है वो ओपिनियन गलत है. दिस इज व्हाट ऑथर रियली मींस टू से. एंड उसके लिए कौन कौन से उसने प्रिमाइसेस यूज की. उसने बोला कि जब नाइट्रोजन डिपॉजिट्स जो है वो एब्जॉर्प्शन से ज्यादा होते हैं तो ट्रीज जो है मरने लगते हैं. एंड दिस स्टडी इज लाइकली टू होल्ड ट्रू फॉर ऑल फॉरेस्ट सिस्टम्स फॉरेस्ट एवरीवेयर. तो ईस्टर्न फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं दे आर ऑलरेडी बीइंग एडवर्सली अफेक्टेड. सो देखते हैं हम लोग ऑप्शंस. आप यहां पे अगर ऑप्शन डी देखें सो हमने एक रिपोर्ट को रिजेक्ट किया. ऑप्शन डी कुछ ऐसा ही बोल रहा है. कॉन्ट्रेरी टू द रिपोर्ट साइटेड नाइट्रोजन पोल्यूशन नाउ इन एयर इज मोर लाइकली टू कॉज ट्रीज टू डाई इन ईस्टर्न फॉरेस्ट देन टू बेनिफिट देम. जो रिपोर्ट कह रही है उसके कॉन्ट्रेरी जो नाइट्रोजन पोल्यूशन है वो ट्रीज को एडवर्सली अफेक्ट करेगा इंस्टेड ऑफ बेनिफिटिंग देम. सो दैट्स योर आंसर. देखा आपने आइडियाज को सेग्रीगेट करने से कितनी आसानी हो जाती है. सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस दिस स्किल. नेक्स्ट हम लोग आगे मेन पॉइंट को ही कंटिन्यू करते हैं, मेन आइडिया को ही कंटिन्यू करते हैं. समटाइम्स मेन आइडिया इज ऑल्सो नोन बाय अनदर नेम कॉल्ड जिस्ट. अब जिस्ट एक्चुअली जस्ट कुछ नहीं है बट द मेन आइडिया जो हमने अभी तक डिस्कस किया. इंपॉर्टेंस क्या है इसका. सी योर एबिलिटी टू राइट अ टाइट कंसाइज एक्यूरेट समरी ऑफ इंफॉर्मेशन यू नो इज असेंशियल एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट जॉनर्स. आप जितना अच्छे से यू नो इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आप अलग अलग जॉनर्स को समझ पाएंगे. बिकॉज आप देखें हम लोग क्लैट के लिए अगर प्रिपेयर करें दैट डज नॉट मीन एवरीथिंग इज गोइंग टू कम फ्रॉम एडिटोरियल्स. कभी कभार हमें मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से जैसे क्लैट 2021 में हमने देखा मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से भी हमें एक आरसी मिला था. देन फिक्शन से उठा के आरसी दिया जा रहा है. हो सकता है कि आपके पास साइकोलॉजी से कोई पैसेज आए, हो सकता है कोई फिलोसफी से पैसेज आ जाए. सो वी कैन बी श्योर कि हमेशा आपके पास कोई एडिटोरियल से ही आ रहा है जहाँ पे जियोपॉलिटिक्स डिस्कस हो रहा है. आपके पास यू नो फिलोसफी से भी कोई पैसेज आ सकता है. सो अलग अलग जॉनर्स को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जिस्ट जो है इट्स द यू नो करेक्ट एंट्री पॉइंट. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड डिफरेंट जॉनर्स. अब समझिए जिस्ट का पर्पस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को या फिर ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट को रिप्लेस करना नहीं है. इट इज द पर्पस इज टू कन्वे इंफॉर्मेशन इन अ सिंप्लीफाइड मैनर. सो यूजुअली जो आपके पास मेन आइडिया का क्वेश्चन होता है वहां पे चार ऑप्शंस जो होते हैं दे आर वन वन एंड हाफ लाइनर एंड वो जिस्ट होता है राइट. सो एक और ऐसा पैसेज ले लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू
अप्लाई द स्किल दैट वी हैव लर्न सो फार. अब ये आपके सामने एक पैसेज है. आई वुड लाइक यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ वाइल एंड रीड दिस पैसेज. आई होप आपने ये पढ़ा है. अब इस पैसेज में ऑथर क्या आर्ग्यू कर रहा है? एज एन पहले तो वो बता रहा है कि डेविस बेकन एक्ट जो था वो ओरिजिनली वाइट्स को फेवर करने के लिए बनाया गया था, एंड जो कि जब ये एक्ट पास किया गया था दे कॉन्स्टिट्यूटेड द मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड यूनियन मेंबरशिप्स. ट्रेड यूनियन मेंबरशिप्स में अधिकतर लोग वाइट थे. While the requirement that laborers on federally funded or assisted construction projects in the inner city be paid local prevailing wage might seem likely to benefit the minority workers as well as minority owned contracting firms. In practice, such requirements thwart the economic advancement of minority laborers. Now, main slide ko aage kar raha hu so that I can show you कि इसमें से कौन कौन सी चीजों पे हमें एक्चुअली ध्यान देने की जरूरत थी. नाउ इफ यू लुक एट इट, ये कुछ जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, हमें इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत थी. तो मेन पॉइंट एक्चुअली बिगिन ही फर्स्ट लाइन से होता है. मेन पॉइंट में ऑथर कह रहा है डेविस बेकन एक्ट वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड टू फेवर वाइट लेबरर्स, एंड फिर बोल रहा है कि यहां पर जो रिक्वायरमेंट थी कि सबको बराबरी का पैसा मिले, laborers on federally funded or assisted construction projects in the inner city be paid local prevailing wage might seem likely to benefit the minority workers. ye kya hai, ye counter premise hai. to while this may seem to benefit workers, ye jo hai aisa dikh raha hai ki workers ko benefit kar rahi hai. In practice such requirements thwart the economic advancement of minority laborers. So, agar aap first line and is line ko bhi dekhte hain, you'll be able to identify the main idea of this passage. To yehi to keh raha hai. The act not only intended to favor the white workers, but also thwarted the interests of minority workers. कि ना केवल ये वाइट को फेवर करने के लिए बनाया गया था बल्कि माइनॉरिटी वर्कर्स के रिक्वायरमेंट्स, माइनॉरिटी वर्कर्स के इंटरेस्ट को सप्रेस करने के लिए भी बनाया गया था. द AFL-CIO इज वर्किंग टू मेक द एक्ट वर्क फॉर ऑल. और AFL-CIO जो है वो वर्क कर रहा है टू मेक द एक्ट वर्क फॉर ऑल. सो आई होप जैसे मैंने यहाँ पे इन स्किल्स को अप्लाई करके एंड मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट किया, after practicing these questions, even you'll be able to identify the main idea. And इसीलिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक और passage लेके आया हूँ. There's another argument, and इस argument को आप एक बार इस video को pause करें and argument को पढ़ें and try to identify its main idea. Send me your responses, and I'll check whether you got the idea correct or not. And मैं आपको फिर वहाँ पे reply करूँगा. So आपने आज एप्लीकेशन देखा. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच. यू ऑल हैव अ वंडरफुल डे.